नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी कल इस वाली वीडियो के अंदर साफ साफ बात हुई थी, आप जाके चेक कीजिएगा। क्लियर शब्दों में कहा गया था कि मार्केट को तीसरे दिन भी 15,800 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर की रैली 16,000 का टारगेट अचीव करना है तो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो चीज हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहाँ पर आसानी से 15,800 की मतलब अगर मेंटेन हो जाए तो बढ़िया होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड ट्रेंड में ही मार्केट अभी भी फंसी हुई है। और क्या कहते हैं, मार्केट का ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वो तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट लगातार, क्योंकि 2 दिन तो यहाँ पर 15,800 के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी, लेकिन हमको थर्ड डे भी यहाँ पर 15,800 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि आज पॉसिबल नहीं हुआ। और मॉर्निंग में ही जो मार्केट था वो यहाँ पर 15,800 के नीचे सस्टेन हो गई और पूरा दिन उसी के नीचे ट्रेड करता रहा मार्केट। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15,800 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वैसा यहाँ पर तो नहीं हुआ। और सुबह मॉर्निंग के अंदर ही यहाँ पर जब 15,800 के नीचे मार्केट को जाता हुआ देखा मैंने, तो सुबह सुबह का पहला मैसेज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने साफ साफ कह दिया था कि दोस्तों, यहाँ पर 15,800 में मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, इसलिए आप सेल ऑन राइज कीजिएगा। और वहां पे मैंने 730 का टारगेट भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज इंट्राडे के लिए, 15,730 का टारगेट दिया था मॉर्निंग में ही, और दोस्तों वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इंट्राडे टारगेट्स जो थे वो डेफिनेटली अचीव हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर एक बात समझिएगा, कि मार्केट वीक है, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है। मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अप ट्रेंड में ही है, इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मैंने एक अपडेट भी डाली थी, आपको याद होगा मेरा वॉइस मैसेज भी आया था कि यहाँ पर मार्केट जो है आपको बेयरिश बनाएगा, मार्केट नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है आपको जानबूझ के, लेकिन आप बिल्कुल भी यहाँ पे बेयरिश मत होना। स्टॉप लॉस हंटिंग भी आई आखिरी में, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल के, 15 मिनट के कैंडल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आखिरी में यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग भी आया। ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग था, मैंने आपको कंफर्म भी किया था, और आप चेक कर सकते हो आखिरी में कितना अच्छा वॉल्यूम है, और यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ दिशा के अंदर ही गई। तो यानी कि यहाँ पर केवल और केवल इसका एनालिसिस आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो मार्केट को नीचे लेके आया गया बड़े प्लेयर के द्वारा बिना वॉल्यूम के लेके आया गया, लेकिन आखिरी के आधे घंटे के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में मैंने आपको कहा था कि बेरिश मत होना, स्टॉप लॉस हंटिंग है बुल्स की, वो सही भी साबित हुई, और यहाँ पर एक्चुअली में मार्केट का ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म हिसाब से और शॉर्ट टर्म हिसाब से भी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। और मैंने आपको ये अपडेट करने की पूरी पूरी कोशिश की थी कि इस स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से आप बेरिश ट्रेड के अंदर मत बैठना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आ चुका था पहले से पहले ही डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कि ये जो डाउन साइड मूव है ये सस्टेन नहीं करेगा। दूसरी चीज, डाउन साइड मूव केवल और केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बाइंग है यहाँ पर की गई, और आप जाके चेक कर सकते हो डाटा पॉइंट्स के ऊपर जाके कि आज के दिन FII प्लस DII दोनों ने ही यहाँ पर आज इक्विटी के अंदर बाइंग किया है। क्या किया है? इक्विटी के अंदर बाइंग किया है। तो दोस्तों, जब दोनों प्लेयर बाइंग में ही हैं तो मार्केट का डाउन ट्रेंड कैसे हो सकता है? और ये जो डाउन मूव था ये मतलब बिना सर पैर का था, बिना डाटा पॉइंट का था, मैंने अपडेट भी किया था, और मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मैं अपने पुट सेलिंग के जो ट्रेड्स हैं, मैंने आपको साफ साफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहा भी था, ये सब बातें टेलीग्राम चैनल की ऊपर हुई थी, तो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मेरे जो पुट सेलिंग के ट्रेड्स हैं वो अभी भी होल्ड पे हैं और मैं उनको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहचान में आ चुका था कि डाउन साइड ट्रेंड जो था आखिरी के कुछ मिनटों में वो रियल नहीं था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई आज की, और मेरा हिसाब से अब मार्केट में, क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर अब बाइंग की है,
और अच्छी बाइंग डीआईए की तरफ से ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। अब वो सपोर्ट कहाँ बनना चाहिए ये हम आप देखेंगे। तो दोस्तों अब मार्केट के अंदर एक पैटर्न और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबी होती है लेकिन मैं आपको बहुत तसल्ली से एक एक चीज समझाता हूँ, और अगर आप मेरी हर बात को नोट डाउन करेंगे तो आपको लाइव मार्केट में बहुत हेल्प मिल सकती है। दोस्तों देखिए होता क्या है, 2 दिन मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनती है, मार्केट को फिर ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन यहाँ पर रेड मतलब ये भी एक तरीके से, क्योंकि ये पिछले दिन के मुकाबले जो है नेगेटिव कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि पिछले दिन के मुकाबले इसकी क्लोजिंग नेगेटिव हुई थी, इसलिए तो यहाँ पर भी 2 दिन जो है पहली बार 2 दिन के रेड कलर के कैंडल, फिर मार्केट को ऊपर खींचा। फिर 2 दिन की दूसरी बार रेड कलर के कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल, फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर खींचा। फिर 2 दिन की यहाँ पर रेड कलर के कैंडल, फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर खींचा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा पैटर्न क्या कर रहे हैं वो लोग, बड़े प्लेयर, आपको ये समझना होगा। फिर 2 दिन की यहाँ पे अब कैंडल मिल चुकी है जो कि रेड कलर की कैंडल है, यानी कि बेयरिश कैंडल है। अब फिर से मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर यहाँ पर खींचा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी भी बुलिश हूँ मार्केट के लिए अगले 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं जून मंथ की बात करें तो मार्केट अभी भी इस रेंज में ही फंसी हुई है, तो इस रेंज के ऊपर ना तो जा रही है और ना नीचे ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जून मंथ में पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है आप चेक कर सकते हो ड्राई अप हो चुका है सेबी के मार्जिन्स के रूल्स के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर अब कल के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या रहेंगे वो हम मेंशन कर लेते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कल के लिए जो सपोर्ट रेसिस्टेंस अब हैं वो हैं 15,650 से लेके 15,700 की जो रेंज है, ये 50 पॉइंट की रेंज जो रहेगी कल के लिए ये सपोर्ट का काम करेगी। दूसरी चीज कि यहाँ पर रेसिस्टेंस कहाँ होगा, रेसिस्टेंस अब वही रेसिस्टेंस है 15,900 से लेके और 16,000 की रेंज में ये रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस कल भी था और आज भी है, तो ये रेसिस्टेंस ऐसे के ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन सपोर्ट जो है 650 से लेके 700 की रेंज में आ सकता है। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज के जो ये 2 दिन के बाद रेड कलर के कैंडल के बाद जो मार्केट को खींचा जाता है, तो ऐसा मुझे एक्सपेक्ट है कि 2 दिन के कैंडल जो है ऑलरेडी बन चुकी है रेड कलर की, अब मार्केट को ऊपर की तरफ खींचना यहाँ पे लाजमी हो जाता है अगर यही पैटर्न वो फॉलो करते हैं। तो ये तो बात हुई, रेसिस्टेंस सपोर्ट मिल गया, टेक्निकल चार्ट आपको मिल गए किस तरीके से बोल रहा है मतलब निफ्टी, और साथ में हम देख लेते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन अब क्या बोल रही है, ठीक है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पे हम खोल के आपको दिखा देते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे आके आप क्लिक लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल ली है, और ध्यान से समझिएगा कि ये 1 जुलाई की ऑप्शन चेन है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, ये हम यहाँ नीचे ऑप्शन चेन को स्क्रॉल डाउन किया, और आप ध्यान से समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा हो क्या रहा है, यहां से समझिएगा पूरा का पूरा ऑप्शन चेन को। यहाँ पर ओटीएम के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, और ये किसकी थी, पुट बायर्स की। दूसरी चीज यहाँ पर भी अब प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी अब प्रीमियम बिल्कुल नहीं बचा है। तो यानी कि अगले 2 दिन के लिए जो मार्केट की रेंज रहेगी अब कौन सी रहेगी, 15,000, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल होगी ही नहीं। अब अगले वेडनेसडे और थर्सडे के लिए मतलब 2 दिन के लिए नेक्स्ट 2 डेज के लिए जो रेंज बचेगी अब वो रेंज है दोस्तों 15,900 से लेके, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश पोजिशन बनी है, और आपका 15,600 तक, ठीक है ना। तो ये एक मेजर रेंज हो गई 600 से लेके 900 तक, पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी। दूसरी चीज यहाँ पर अभी इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं पुट साइड की, ठीक है, तो लाजमी भी था क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव था, इसलिए फ्रेश कॉल राइटिंग जो हुई है जबरदस्त 800 से लेके 900 के बीच में हुई है, और फ्रेश पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पर 650 के अंदर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और 700 के ऊपर भी ओपन पोजीशंस काफी ज्यादा हैं। तो मतलब मार्केट बहुत नैरो रेंज के अंदर है, ट्रेड भी कर रही है काफी नैरो रेंज के अंदर,
और मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल के दिन भी नैरो रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकती है। नैरो रेंज कौन सी रहेगी? 15,650 से लेके 15,850 के बीच में, ठीक है, ये इस रेंज के बीच में ही कल ट्रेड करेगी। तो यानी कि इस रेंज के आसपास अगर आपको गलती से ये मिल जाए 650 के आसपास तो आप बाय कर सकते हो, इस रेंज के आसपास आपको मिले मार्केट 850 के आसपास तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन बहुत छोटी रेंज रहेगी अभी भी। और मतलब सिचुएशन बस अभी ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट को रेंज बाउंड रखने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स के क्या कहते हैं प्रॉफिट हो रहा है और पूरा महीना ऑप्शन सेलर्स ने एंजॉय किया है। दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की फटाफट से बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या चाहता है? तो दोस्तों बैंक निफ्टी ये चाहता है कि बिल्कुल इसके अंदर भी वही सिनारियो है कि दो दिन की कैंडल जो है वो बनती है रेड, फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर दो दिन की रेड बनती है, फिर बनती है ग्रीन कलर की, फिर दो दिन की रेड बनती है, फिर ग्रीन कलर की बनती है, और अब भी दो दिन की रेड बन चुकी है। आई एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बने तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके लिए जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सपोर्ट अब जबरदस्त तरीके से वही है जो पुराना सपोर्ट चलता आ रहा है यहाँ पे 34,800 का। कौन सा? 34,800 का ये सपोर्ट है। रेसिस्टेंस देख लीजिए, रेसिस्टेंस जो है अभी इस एक्सपायरी में, क्योंकि अब नैरो रेंज मार्केट रह सकती है, तो यहाँ पर 35,400 के आसपास मार्केट का रेसिस्टेंस रहेगा। तो बहुत नैरो रेंज के अंदर मार्केट का चलन रह सकता है अगले दो दिन के लिए। ये रेंज रह सकती है आपकी सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के आसपास आए तो सेल कीजिएगा, सपोर्ट के आसपास आए तो स्टॉप लॉस रख के आप बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी का आपको ट्रेंड मार्केट के हिसाब से, मतलब डाटा के हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हुई हैं। फ्रेश क्या कहते हैं आपका सपोर्ट अच्छा खासा केवल और केवल यहीं पे है 34,500 के आसपास। रेसिस्टेंस जो अच्छा खासा है वो है आपका यहाँ पे 35,500 के आसपास। तो वही 700 के आसपास जो है आपकी रेंज है, और मतलब मार्केट इसी रेंज के अंदर दो दिन तक घूम सकती है। और बाकी की अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लाइव ऑप्शन चेन के डाटा के बेसिस के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको व्यू समझ में आया होगा। एक रेंज बाउंड मार्केट अभी भी मुझे लगती है अगले दो दिन के लिए ऊपर के ऊपर, ऊपर के लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कॉर्रेटिंग की हुई है प्रोफेशनल प्लेयर्स ने, इस बात का ख्याल रखिएगा। और क्या कहते हैं नीचे की तरफ बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट भी है मार्केट के अंदर, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ की यहाँ पर सिचुएशन है ऐसी कि मार्केट को यहाँ पे जानबूझ के रेंज बाउंड रखा जा रहा है, और यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट की जा रही है ऑप्शन बायर्स के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना व्यू क्लोज करता हूँ, और मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।